नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल ठाकुर और आप हैं मेरे शो पर जिसका नाम है द साहिल्स शो। मेरे शो पर मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे मेहमान लेकर आता हूं जो अपने फील्ड के महारथी हैं, जिन्होंने अपने स्किल्स को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां से उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे लिए बहुत खास हैं और मेरे मेंटर रह चुके हैं, और मेरे ही नहीं, इंडिया में अगर वेडिंग इंडस्ट्री की बात आती है तो वो सभी के लिए एक फादर फिगर हैं। उन्हें RRK के नाम से भी पहचाना जाता है, कहा जाता है कि वो इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री के महानायक हैं और सभी उनसे इतना प्यार करते हैं और वो भी सभी से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने पिछले कुछ 10-12 सालों में सबका दिल इस तरीके से जीता है कि आज जब आप इस शो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उन्हें उनके पास कितना कुछ है हम सभी को सिखाने के लिए। तो आज ऋतुराज खन्ना जो हैं क्यू इवेंट्स पर गीता सैमल के CEO और जो एक ड्रीमर के नाम से पहचाने जाते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ ड्रीमर। और हमारे शो का कॉन्सेप्ट भी यह है कि आज वो हमें आर्ट ऑफ ड्रीमिंग सिखाएंगे, कैसे ड्रीम्स को देखा जाता है, कैसे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ऋतुराज जी आज आपको खुद बताएंगे ये सब चीज़ें जो उन्होंने पिछले अपने 12 से 15 साल के करियर में सीखी हैं और वो आज किस मुकाम पर है हम जानेंगे और उनसे सीखेंगे। तो स्वागत करते हैं हम सभी के प्रिय ऋतुराज खन्ना का हमारे शो पर। गुड टू सी यू ऑन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म आल्सो। थैंक यू सो मच। आज स्पेशली हम फोकस करेंगे द आर्ट ऑफ ड्रीमिंग पे, बिकॉज आपको एक ड्रीमर के तौर पे जाना चाहता है, कैसे आप लोगों के ड्रीम्स को समझते हैं, उन ड्रीम्स को डिजाइन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और एक शेप देते हैं। तो मुझे बताइए, व्हाट इज द आर्ट ऑफ ड्रीमिंग, इसका बेसिक क्या है और कहां से आपको इंस्पिरेशन आती है? सी नॉर्मली आई ऑलवेज स्टार्ट विद द टॉपिक जो मैंने सबसे पहले स्टेज पे दिया था। माय टॉपिक वाज आई हैव अ ड्रीम एंड दैट जस्ट केम आउट बिकॉज़ मेरा कुछ सब्जेक्ट कुछ और था एंड सडनली आई डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट and I change it to I have a dream. Okay. It is not only the dream I fulfill of the clients or the bride and groom. It is my dream first. Oh, beautiful. Unless I dream myself, I cannot execute. It is very simple. बहुत 99% में से 1% में चांस देता हूँ क्लाइंट को कि वो अपनी लगा ले कि क्या चाहिए उनको। मैं दिखा देता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ, but in the end, when I am executing anything, I like to execute it my way. Because I exactly know how and what to give to a client. वो तो मुझे Instagram के चार फोटो दिखाते हैं, फिलामेंट बल्ब की, पेड़ की, टेबल लगा दो, उनको ये चाहिए। I have to do justice to that also. I know everybody likes to be a designer these days. All my bride and groom are designers, all the families, mama, tata, सब designer बन गए आजकल। But I think in the end, I don't let go of this. I have to do what I want. इतने सालों मुझे पता है क्या शादी में अच्छा लगेगा। एक शादी जीवन में मैंने करी थी उदयपुर में ही। मेरे क्लाइंट्स थे एक जगह के, they were from Calcutta, and he insisted कि he wanted to execute his designs only. वो मैंने करा, but after doing the first event, मैंने हाथ खड़े कर दिए saying that I will not be able to execute at all. Because वो लग ही नहीं रहा था मेरा काम है। एक फूल बोल रहे थे सीधा लगाओ, एक सिल्वर फूल टेढ़ा लगा दो, चार ट्रेप इधर दे दो। तो मदर ऐसे देखो जी, आपके दोस्त आ रखे, इनको बड़ा कुछ आता होगा बट हमारी फील्ड में नहीं आता, सो प्लीज लेट मी गिव मी अ फ्री हैंड, आई वांट टू डू व्हाट आई वांट टू। वो दिन गया, ये दिन गया, मैं किसी की नहीं सुनी। फिर ये तो जैसा कि हम जानते हैं जिस तरीके से मैं इस चीज को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक्चुअल में जिसकी शादी है, जब तक कि ये आइडियाज की इनकॉर्पोरेशन ब्राइड एंड ग्रूम से आ रहे हैं या फिर पेरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं, तब तक आई फील कि उनको लेकर एग्जीक्यूट करना कोई चैलेंज की बात नहीं है। लेकिन जब वो मल्टीपल इनपुट्स आ जाते हैं चाचा मामा काका से, तब दिक्कत आती है। तो मैं समझना चाहूंगा, जब आपको ब्रीफिंग मिलती है कि लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई हैव सम आइडिया, this is the kind of wedding I want and I put those ideas on the table and I want you to execute them, so what are the steps to design that idea into the reality?
See, initially we used to make our own presentations. फिर बीच में जब Instagram पे interest आ गया, तब सबके पास फोटो आनी शुरू हो गई. बहुत मुश्किल काम हो गया, because all the brides had the same photographs. कोई चार पांच फोटो फ्लोट करती थी. बीच में मैंने I tried to be nice and I asked the bride, I said, you have any ideas you want me to incorporate? वही same photos आ रही थी. अब now I had to be a little बदतमीज also at times, saying that this is not for a wedding. This is ये बाहर फॉरेस्ट में करा हुआ है, जहाँ एक लंबी टेबल है, टाट जैसे ऊपर कवर लगा रखे हैं, दिस आवर इट इज इन अबाउट लग्जरी. ओके, सो देन स्लोली स्लोली मैंने 6-8 महीने इनको एंटरटेन करा, उसके बाद बंद कर दिया मैंने, बिकॉज आई कांट फॉलो व्हाट दे आर फॉलोइंग. आगे की लड़की दे फॉलो मोर ऑफ फैशन एंड व्हाट द अदर फ्रेंड्स आर वर्निंग. सो देन आई स्टक टू And I stuck to my own this thing. मैं हाँ हाँ कर देता था, देता नहीं था मैं कुछ भी उनको जान के से. और शादी के दिन किसी को याद भी नहीं रहता था. Once you get a good wedding, then nobody, everybody forgets everything. But जितना मैं समझता हूँ, जब आपके setups execute होते हैं, तो जो briefing actual में देने वाले होते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता कि जो उन्होंने briefing दी थी और actual में हुआ क्या है, because आपके जो setups होते हैं, वो इतने mesmerize कर देने वाले होते हैं. Once you enter into the venue, You feel like कि यहाँ पर दिमाग नहीं चलाना, यहाँ की ब्यूटी को सिर्फ कंज्यूम करना है और एंजॉय करना है यहाँ पर. सो आई बिलीव ये जो आप स्पेशली आप जैसी पर्सनैलिटी को जब ब्रीफिंग दी जाती है, तो मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जब उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो वो अपने आप में एक अलग ब्यूटी क्रिएट करता है. See what happens is I'll, जब हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, हम कितनी फोटो दिखाए, 7-8-10 एक फोटो दिखा दी हमने प्रेजेंटेशन में. By the time we do a setup in Manik Chowk or Jag Mandir or Zanana Mahal, those are equal to 200 photographs. So, wo jo 8-10 photo dikhai hoti hai, wo to gum jati hai ki dimag se. Ek, I think Vedi ki rehti hogi, because Vedi is a standalone prop. Wo thoda dhyan mein rehta tha, achha ye tha. Baki to jo humne do chandeliers dikhai jate hain, wo to puri chhaton se bhar jate hain, upar aur chandeliers aa jate hain, aur fabric aa jata hai, aur beads aa jati hain, bada kuch aa jata hai. So as such, when a client is getting so much, वो वैसे चक्कर खाया था कि अच्छा है, इतना बड़ा था जो मुझे मिल रहा था. So, जैसे of course 99% काम तो briefing के अलावा होता है, because जब clients technically आपको briefing देते हैं, तो वो they do not understand कि actual में कैसे execute होगा, उसके पीछे के science क्या है. So आपको इतनी सारी inspirations कहाँ से आती है, because I believe जब आपके setups execute होते हैं, तो उसमें 1,000 से 2,000 से ज्यादा ऐसी चीजें होती हैं जो आप नोटिस कर सकते हो कि ये एक डिजाइन है अपने आप में, ये एक डिजाइन है, ये एक एलिमेंट है. इतनी सारी inspirations आप एक इवेंट में, और साल में आप इतने सारे इवेंट्स करते हैं, तो इतनी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन और inspirations आप कहाँ से इकट्ठी करते हैं? तो डे टू डे एक्टिविटी में आपका क्या प्रोसेस रहता है, जहाँ से आप ये आइडियाज लेकर आते हैं अपने पास? एक तो सारा मेरा दिमाग 24 घंटे चलता है, ठीक है, जितना मैं जागा होता हूँ, विच इज ऑलमोस्ट 16-18 hours a डे. आई कीप थिंकिंग, आई स्टडी अ लॉट, आई विजुलाइज अ लॉट, एंड आई ट्रैवल अ लॉट. सो इंस्टेड ऑफ सीइंग एनीबडी एल्सेस वर्क एंड कॉपिंग, आई प्रेफर टू बी अमंगस्ट माय बुक्स एंड माय पिक्चर्स एंड माय अदर सोर्सेस देन टू सी एनीबडी. आई मीन आई एम वेरी दिस थिंग दैट आई सी एवरीबडी इज वर्किंग इन द इंडस्ट्री. मुझे मालूम है अगर एक फोटो आया थी किसकी है ये, कौन डिकोर है, कौन ये है. सो दैट वे, बिकॉज़ इवन इफ माय गर्ल्स कम एंड टेल मी कि सर ये वाली फोटो मैं कर, नो दिस नॉट आवर्स, यू कैन नॉट यूज दिस. सो दैट मींस अवेयरनेस वी हैव टू हैव, एंड यू हैव सीन मी वर्क इन उदयपुर एंडलेसली. आई हैव डन ऑल माय मेजर इवेंट्स देयर, आई हैव डन द बिगेस्ट वेडिंग्स इन उदयपुर. सो व्हेन वी आर ट्रीटिंग हेरिटेज प्लेसेस एंड व्हेन वी आर ट्रीटिंग फार्म हाउसेस, सो द ट्रीटमेंट इज टोटली डिफरेंट. हेरिटेज में वी लाइक टू शो ऑफ द पैलेस, सो वी हैव टू प्ले विद द सराउंडिंग्स. When you're working on a farmhouse, you have to cover everything. Yes. So जब पहले से सजाने लगो, तो उदयपुर जैसी सुंदर जगह है नहीं इस धरती पर. And when I'm working in Udaipur in the HRH, मेरा तो जीवन सफल होता रहता है every time I'm there. Yes. I mean, I've done umpteen weddings. I don't know how many weddings I've done there, but I have never repeated a wedding there. Yes. Not only few events. In 13 सालों में कुछ तो ऐसे interesting moments रहेंगे, कुछ ऐसी कहानियाँ मैं सुनना चाहता हूँ आपसे. काफी सारी कहानी आपने मुझे बताई है, कुछ ऐसे मोमेंट्स हमें बताइए और हमारी ऑडियंस को बताइए जो जो एक
अच्छा एक अच्छी लर्निंग भी देकर जाएं और एक फन मोमेंट भी क्रिएट करें। तो माय साइड इज ऑल अबाउट फन, यू सीन दैट? यस आई हैव सीन दैट। क्योंकि हम तो होमवर्क करके आते हैं हमें ऑफिस से, वहां एग्जीक्यूशन चल रही होती है, मैं तो टोटल वेला होता हूं टिल अ सर्टेन टाइम, अंटिल और अनलेस द क्लाइंट स्टार्ट वॉकिंग इन। यस एंड I make sure I have a ball with the local people over there. You know it. When I'm outside, I call everybody there. I call everybody for dinner. I call. So my basic aim now today, not today, it's been years now, is that I have to be friends with everybody. I love interacting with people. Yeah. I love. I'm not a social animal at all. But yes, if I'm sitting in a hotel, I don't like to eat alone. Okay, that I understand and that I know, because when I used to come on your site in 2013-14, तो मैं सबसे ज्यादा उन दिनों मेरे करियर की शुरुआत थी, तो मुझे लगता था वेडिंग प्लानिंग मतलब बहुत स्ट्रेस का काम, इतने सारे लोग एक समय पे, इतनी सारी चीजें एक समय पे करनी होती हैं। बट व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट यू, यू यूज्ड टू बी वेरी कूल एंड काम, और पीछे हम देखते थे तो इतनी बड़ी साइट चल रही है, यू यूज्ड टू ऑर्डर मैकबी केएफसी, पीपल कमिंग टू मीट यू, दे आर टॉकिंग टू, एंड यू आर जस्ट चिल। फिर मैं जब दूसरे प्लानर्स को देखता था तो मुझे लगता था कि इनके ऊपर कितना स्ट्रेस है, एंड व्हेन आई लुक एट यू, When I used to look at you, कि इनसे मैं ये कला कैसे सीख सकता हूँ कि हमारा जब मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हों, मैं भी इतनी आसानी से टेबल पे बैठ पाऊँ, लेकिन आई डोंट थिंक इतना हम कभी कंफर्ट जोन अचीव कर पाए। तो आपकी उस कला के पीछे का क्या राज है कि इतना बड़ा साइड चला है, एक समय पे चार चार पांच पांच सेटअप्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं एंड यू आर जस्ट चिलिंग ऑन द टेबल, हाउ डू यू मैनेज टू डू दैट? See, our homework is very complete at Qubits. Yeah. What we have to execute, we put it on paper and we keep sharing with our, right from our labor to our supervisors to our managers, what has to be done in every corner. Hamara plus point kya hai, we have different karigars for everything. Yeah. Crystal chandeliers banane ke liye alag hai, kapde ke liye alag hai, trussing ke liye alag hai, batte lagane ke liye alag hai, carpenters alag hai. Whereas the other people use the same person to do the trussing also, to do the fabric also. So, where people used to finish the sites in 16 hours, we finished it in 5 hours. Oh. Agar stage wahan ko thokne shuru ho raha hai 2.5 ghante mein, mere carpenters lage rehte the, wo aadhe ghante mein khatam bhi kar lete hain. So our training at the office is thorough. But still I feel jitni aasani se aap explain kar rahe hain ki okay, always there is a process behind anything which is being executed, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो एक बिल्डिंग बनाना हो, चाहे वो एक पूरा शहर का निर्माण करना हो, लेकिन कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आते होंगे, वो कौन से चैलेंजेस होते हैं? बिकॉज ऐसा नहीं जो आपकी ये बात को सुनकर कल अगर वेडिंग प्लानिंग कंपनी स्टार्ट करता है तो वो भी सोचेगा कि अच्छे होमवर्क के साथ हम भी इतनी बड़ी वेडिंग्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस आते होंगे और उन चैलेंजेस को आप कैसे सॉल्व करते हो, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। So I'll tell you what different kind of challenges in our business. आपको याद है क्लाउड वाला सेटअप बनाया था मैंने जराना महल में? Yes, yes, yes. For one of my client, you gave me that setup. Yes. So that wasn't easy for us. जो रात को वहाँ हुआ, nobody knows. Yes. Because that framework was so heavy that हमने वहाँ एक फुट का, डेढ़ फुट का ट्रस स्पेशल बनवाया था जो उसको कैरी करता, and रात को 2 बजे जब लग रहे थे क्लाउड्स, वो स्नैप हो गया पूरा ट्रस, एंड द एंटायर सीलिंग ऑफ द नाना महल वाज सस्पेंडेड फ्रॉम दैट ओनली, एंड द होल सेटअप वाज देयर ओनली। रात को हमने कैसे करके कैसे लोगों को वापस बुलाया, बिकॉज 2 बजे सब चले गए थे साइट से, एंड फिर बिल्डर्स बुलाए, फिर लोग बुलाए, फिर पत्ते लेके आए, ऊपर पकड़ा, फिर वेल्डिंग करी, and by morning we were ready because hamara handover bahut jaldi tha. So I believe it has become your personality trait that even if there is a tight situation, agar cheeze waise nahi ho rahi hai jaise aapne chahiye aur agar last point pe koi crisis hai, fir bhi aapke chehre pe wo jo buddha wala jo expression rehta hai, cool and calm wala, wo bahut mazedar cheez hoti hai. Because maine bahut sare planners ko, designers ko ya dusre profession ke logo ko dekha hai, एक छोटी सी भी अगर एरर आ जाती है तो वो
बिल्कुल ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देने लग जाते हैं कि जैसे कुछ जिंदगी तबाह हो गई हो। बट आपके इवेंट्स में भी मुझे पता है कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आते ही होंगे, ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं आते होंगे, पर स्टिल यू मुझे वो आर्ट समझ नहीं कि व्हाट कम आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है उस समय, उस सिचुएशन को देखिए, हैंडल करते समय। अल्लाह करके अल्लाह करूंगा तो मेरे जो लेबर है वो नर्वस हो जाएगी, वो नर्वस होगी, वो भगदड़ मच जाएगी। मैंने मैनेजर ऑल्सो मुझसे क्यों आने वाला है। सो इट इज बेटर टू बी वेरी काम ऑन योर साइड। अगर कोई गड़बड़ जा रहा है अपना चुपचाप जाओ, वही चार लोग टीम को बोलो ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो। अगर मैं वहां के 50 लोगों को बोलूँ वो इधर आओ ये वाला ठीक नहीं हो रहा है, सो देयर गोइंग टू बी कमोशन और काम मेरा ही लेट होगा। फैब्रिक बिल्कुल बिल्कुल ठीक ड्रेप नहीं हो रखा, बंगाली को जाकर बोल दो जी फैब्रिक ठीक कर ले। फर्नीचर सीधा ही रख रखा, फर्नीचर वालों को बोल दो ठीक नहीं है। कारपेट आपको टेढ़ा लग रहा है वो ठीक करा लो। फूल अच्छे हैं लग रहे, फूल वालों को बोल दो। तो मैं आपने देखा होगा मैं तभी घूमता रहता हूँ अपनी साइड पे, मैं यस 1 सेकंड नहीं बैठता हूँ। सो जिसको मैंने बोल रहा था कान में बोला, काम अपना हो जाता है। बाकी लोग क्या है, हमारा प्लस पॉइंट क्या है, वी हैव एवरीथिंग ऑफ ओन एंड हम लोग साथ में 2-3 ट्रक एक्स्ट्रा लेके चलते चलते हैं डेकोर के, सो दैट आर बैक एंड स्ट्रॉन्ग। अगर कुछ चीज कम पड़ी है हम फटाफट से भर देते हैं वहां पर। बाकी लोग क्या है, दे ऑलवेज हायर स्टफ। अगर उनको 4 टेबलें लिखी हैं तो 4 ही आएंगी। मेरे पास 4 टेबलें होती है, मेरे पास 8 टेबल पड़ी होती है। सो इफ आई एम वॉकर टेबल 4 लगी है, मुझे 4 और चाहिए, मैं फटाफट भर लेता हूँ। सो दैट कमोशन एंड दैट टेंशन इज नॉट देयर फॉर मी कि अगर मेरा एक जगह खाली लगी तो मैं क्या करूंगा। इन माई इनिशियल डेज आई वॉज डूइंग अ वेडिंग इन उदयपुर एंड आई वॉज वर्किंग इन बॉम्बे। डूइंग अ वेडिंग देयर एंड द क्लाइंट कॉल्ड मी 8 डेज इन एडवांस कि शादी उदयपुर हो गई है और कैसे करेंगे। मैं भी नया नया था इंडस्ट्री में उस टाइम, नया नया सेलफोन मिले हुए थे उस टाइम सबको। सो आई केम टू द होटल, आई टुक अ फ्लाइट टू इंदौर के क्लाइंट से मेरे। आई 12 फ्लाइट लेट, मैं 12 बजे में घर पहुंचा। बाहर उनके बरामदे में उनके 3 फ्रेंड्स वो बैठे हुए थे, वहां मीटिंग करी। फोटोज होती नहीं थी, स्केच करके वैसे पेंसिल यूज करते रहे, नॉट दैट आई एम आर्टिस्ट, बट हम ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, ये लगा देंगे, बिकॉज़ मैं उतनी फोटो भी नहीं होती थी साथ में कि हम दिखा दें, एंड आई वाज सिटिंग इन बॉम्बे। फिर रात को मैं होटल पहुंचा 5:30 बजे। वहां मैंने मेल डाली लिस्ट की, लिस्टिंग भी अपना करते थे पहले, तब लड़के लड़की होने होते नहीं थे। वी ओनली यूज्ड टू हैव सुपरवाइजर एंड मैनेजर रेंजर्स, नो मैनेजर लेवल्स। वहां मेल करी मैंने, वहां से ट्रक निकला, यहाँ से बॉम्बे से मैं उदयपुर की फ्लाइट के लिए गया। उदयपुर की फ्लाइट बॉम्बे से लेट 8 घंटा। थैंक गॉड मैं क्लाइंट्स विद मी ओनली। सो मुझे जहाज में बोलने लगे कि सर अब तो बता दो क्या करोगे हम। सो यू नो थिंग्स लाइक दिस हैपेंड। अच्छा वहां ट्रक पहुंचे, सब जल्दबाजी में पहुंचा। फर्स्ट इवेंट वॉज इन रेडिसन, सुबह 10:30 बजे का कार्निवल। रात को ट्रसिंग वगैरह कर दी हमने, एंड फाइनली वी रियलाइज कि कपड़े वाला ट्रक तो आया नहीं। तो अभी तो क्या है, अभी सब क्या फोन होते हैं ट्रक वालों के पास भी, तो पता है कि ट्रक 2 घंटे 3 घंटे लेट। मैंने सब बंगाली को अंदर हॉल में बैठाया वहां पर, एंड वी केप्ट वेटिंग फॉर द ट्रक। रात को 3 बजे पहुंचा ट्रक, मैंने भगाया लंगूरों की तरह इनको ट्रस पे, एसेसरीज वालों को भगाया, एंड वी वर रेडी फॉर द कार्निवल एट 10:30 इन द मॉर्निंग। इतने चैलेंजेस। सेकेंड डे नो अभी ये टू कम। सेकेंड डे वॉज रन अवेल, थर्ड डे वी हैड जगमंदिर फॉर द वेडिंग। सारा कुछ तैयार था, मेरा एसेसरीज का ट्रक ही नहीं आया, जो मैंने ऊपर टांगते हम लोग, झूमर होते हैं, शैंडलियर्स होते हैं, चंदवाज होते हैं, कुछ भी नहीं पहुंचा। एंड देन आई सेड अब क्या करूं क्या करूं। तो मेरे हरीश पंडित जी हैं जो कोरियोग्राफर करते हैं, उनके आज ना लोटस से बहुत बड़े बड़े 8-8 फुट के, विच आई वॉज रियली नॉट लाइकिंग देम इनसाइड माई साइड, बट सडनली आई गॉट द आइडिया एंड आई गॉट देम इनसाइड माई टेंट जो हमने कैनोपी बना रखी थी, एंड 8 लग गए वो साइड में, जगह भर गई। मेरे पास एक क्रिस्टल लेस नहीं निकाली थी हमने उस टाइम, एंड दैट आई गॉट फ्रॉम जनाना महल। आई पुट सम लड़ीज ऑफ फ्लावर्स ऑन इट एंड मेक देम यू नो आई स्ट्रेच देम ओवर द रूफ। ओके फिर नैपरॉन नहीं थे मेरे पास, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। सडनली मुझे बचपन याद आया, जाली और टूथब्रश, आई डोंट नो इफ यू डन दैट स्प्रे पेंटिंग विद द टूथब्रश एंड मेश। सो मैंने कपड़ा बिछाया नीचे, काटा गोल, उसको एमडीएफ के हमारे टुकड़े पड़े हुए थे गोल, उसको हमने ऊपर रख दिए, एंड हमने ब्रश करके वी स्प्रे पेंटेड द फुल फैब्रिक एंड वी हैड न्यू नैपरॉन्स आल्सो देयर। सो दीस आर द काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू बी रेडी फॉर।
अब तो चलो चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं, फोन हो गई हैं, यू हैव बिग वेंडर्स इन ऑल टाउन्स नाउ, बट वी हैव फेस थिंग्स कि ट्रक ही नहीं पहुंच रहे, गोल हो गए, कहां गए, वी डोंट नो. सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि एक तो बहुत अच्छी होमवर्क, अच्छा टीम मैनेजमेंट और एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इफ देयर इज लास्ट मोमेंट क्राइसिस. इन सब हार्डशिप्स के बाद जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है क्लाइंट से, तो उस समय आपकी क्या फीलिंग्स होती है एंड क्या आपको वो सारे मोमेंट्स याद रहते हैं या फिर उससे आप एक लर्निंग लेकर फिर अगले इवेंट में आप जाते हैं? उस एप्रिसिएशन को आप, बिकॉज आई बिलीव एक वेडिंग प्लानर के लिए सबको लगता है, एक डिजाइनर के लिए, कि दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, देयर इज ह्यूज मनी इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब तक आपको एप्रिशिएट नहीं किया जाता आपके काम को, तब तक वो एनर्जी नहीं आती अगले काम को करने के लिए. सो हाउ डू यू इवोल्यूएट दिस थिंग? आई मीन, ओवर द इयर्स आई हैव लर्नड हाउ टू एप्रिशिएट मायसेल्फ ओनली. ओके. आई डोंट वेट फॉर द क्लाइंट. Okay. वो क्लाइंट विल नेवर एप्रिशिएट यू. जैसे ही क्लाइंट आके शाबाशी देगा ना, वो शक्ल देख लो कि पैसे मांगेगा भी. सो दे ऑन द फाइनल डे दे लाइक टू अवॉइड अस, ना देखे ना पैसे मांगेगा भी. बट आई थिंक द लुक ऑन द फेस इज इनफ टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट दे हैप्पी. नोबडी रियली वॉक्स अप टू मी एंड सेज, ओ हमें तो सुंदर कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये कर दिया. नहीं, नथिंग डूइंग. आई थिंक द वेरी फ्यू पीपल इन लाइफ हाँ ये जरूर बोलते हैं कि हमारा पार्टी कर दो, देखो आगे कितना काम मिलता है. दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट. इतने सालों बाद में सुनने को मिलता है, आप ये काम करो देखो कितने मिलते हैं. मैं तो सिर्फ पहले एक तो होने दो, आगे की देखी जाएगी. सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल कम वॉक अप टू यू. एंड अब लोग चिट्ठियां भेजते रहते हैं मुझे कि सर देखो हमको ये भेजी मेरे क्लाइंट ने, ये भेजी क्लाइंट ने मुझे, ये भेजी क्लाइंट ने. इट इज गुड दैट पीपल टेक आवर टाइम एंड अप्रिशिएट यू. दे आर गुड, दे आर आपको वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं, ये बना के भेजते हैं, पर हमको तो अभी तक किसी ने नहीं भेजा. सो वन स्मॉल थैंक यू इज इनफ है, उससे ज्यादा है नहीं. वी डोंट नीड टू राइट अप एनीथिंग अबाउट एनीथिंग. एंड आई थिंक दैट इज मोर ऑफ एप्रिसिएशन दैट व्हेन पीपल वॉक इन दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस एंड दे गो एंड वी आउट एंड दे जस्ट से बाय टू अस. आई थिंक दैट सेज इट इनफ. अगर नहीं अच्छा लग रहा होता तो हल्ला गुल्ला होता, सब कुछ होता. व्हेन अ क्लाइंट वॉक्स इन ही इज कंटेंट, सो ही हैज नथिंग टू से. सो आई बिलीव आपके कहने का ये है कि अगर जिस दिन आप अपने काम से सेटिस्फाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, आप अपने काम को अप्रिशिएट करने लगते हैं और वो जेन्युइन भी होना चाहिए, तब आपको किसी और के अप्रिसिएशन के इंतजार करने की जरूरत नहीं. लेकिन जब वो अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट होते हैं तो फिर वो चेरी ऑन केक हो जाता है, वो एक एडिशनल बोनस हो जाता है आपके लिए कि चलो हमको, हमने जो एग्जीक्यूट किया हमें तो अच्छा लगा, ये क्लाइंट को भी अच्छा लगा और जिनके ड्रीम्स थे वो फुलफिल हुए. अब एक चीज मेरे, मैं ये थोड़ा सा आप शो के फॉर्मेट से बाहर जाकर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यू हैव अचीव सच बिग माइलस्टोन्स इन योर लाइफ. Each and every person from this wedding industry, your clients do appreciate your work. सब आपको जानते हैं और एक respect की नजर से देखते हैं आपको, एक father figure के तौर पे देखते हैं. तो ये मानता हूँ कि आपको एक हर दिन sense of achievement तो feel होता ही होगा कि that I have achieved something and I'm on such position where people to love me a lot. So मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए achievement की परिभाषा क्या है, वो achievement आपको कब feel होता है, वो छोटी छोटी खुशियों में होता है या फिर बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर वो अचीवमेंट्स आपको फील होते हैं? सी एज फार एज अचीवमेंट्स आर कंसर्न्ड, आई डोंट नो, मिलती रही, अपने आप ही आती रही रास्ते में. पीपल आई थिंक लव मी मोर एज अ पर्सन देन नाउ देन एनीथिंग एल्स. आई एम मोर ऑफ अ मेंटर टू एवरीबॉडी नाउ. पीछे वो लोग मेरे पैर छूते थे आके कि नहीं सर हमारे सिर पे हाथ रख दो, आपने तो लोगों को बनाया है. नाउ आई रियलाइज आई थिंक they are right. पहले मैं इसको acknowledge नहीं करता था. I have met quite a few people, and that goes for all, right from the catering department to decor to entertainment. I have contributed a lot. So in the long, I think people copied me. पहले गुस्सा आता था, 5-6 साल पहले मैंने छोड़ दिया.
देखो ठीक है यार, इसी किस्म में जो है कॉपी कर रहा है ना, करने दे। फिर पीपल केम टू मी, आप वेडिंग प्लानिंग शुरू कर लो, आप एंटरटेनमेंट शुरू कर लो, आप अंडर वन रूम सब कुछ कर लो, पर मेरा समाओ मेरे से हुआ नहीं। आई वॉन्ट टू डू वॉट वी आर गुड एट, करने को मैं कर सकता था। आई ऑल्सो लाइक टू अर्न मोर मनी, आई वुड हैव गॉन टू केटरिंग, टेकन माय परसेंटेज, आई वुड हैव गॉन टू एंटरटेनमेंट, आई वुड हैव गॉन टू यू नो द एंडलेस दिस थिंग वी हैव इन द वेडिंग फील्ड, बट ठीक है, आई वाज हैप्पी विद माय डेको, आई एम वेरी हैप्पी, आई हैड अ कमांड ओवर एनीबॉडी। अगर केटरर एक टेबल में टेढ़ी लगा रहा होता था, मेरी तरफ देखते रहता था कि सर अभी ना तो नहीं करेंगे, तो दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। माय कंसोल्स, कोई भी आ रहा गाने के लिए, इफ आई से नो टू अ कंसोल इन द सेंटर ऑफ द पार्टी, वो नहीं लगता, और किसी की बाप की ताकत देने को लगा ले। सो दीस स्मॉल थिंग्स, यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट व्हिच समबडी कैन अर्न। अगर कुछ कोई लगा रहा है, अगर एक्स वाई जेड कोई भी गाने वाला आ रहा है, वो कहेगा आई कॉन्टैक्ट होना जरूरी। अरे यार, स्टेज पे तुम गा रहे हो, तुम आई कॉन्टैक्ट कहाँ भेजोगे, बीच में लोग बैठे हुए ना। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड नो, दिस इज माय कपल सीट, यू कैन नॉट टेक दिस एरिया, वहां बैठना है आपको, देना कंसोल के लिए, अदरवाइज यू कैन गो, आई विल टॉक टू द क्लाइंट, यू विल नॉट परफॉर्म। छह बार कर चुका हूं मैं ये बात, एंड बिग सिंगर्स। सो सम थिंग्स वी हैव लर्नड इन लाइफ दैट वी आर ऑनेस्ट विद द वर्क, वी लव आवर वर्क, वी नेवर go wrong, we try never to go wrong, and I expect people to hear us out. When agar humko cheez nahi achhi lag rahi, they have to change, jo mere sath vendors kaam karte hain, and everybody now I think is knows it that agar Qvents kaam kar raha hai to inko kya kya nahi milega wahan par, main nahi dunga samaan inko, apna leke aaya karo, makes it easier for us also. Yeah, and I think people respect that now, and things become easy also. And yeah, this is very true. आपने जो सबसे पहली बात बोली कि बहुत सारे लोग आपको greet करते हैं, और उनकी life में आपने बदलाव एक उनको influence किया है कुछ नया करने के लिए और आगे पढ़ने के लिए. So उनमें से एक तो मैं हूँ. मैं शुरुआत में भी बोल चुका हूँ, 10-12 साल पहले, मुझे आज भी याद है, अगर मैं शायद आपसे नहीं मिला होता तो आज इवेंट इंडस्ट्री में मैं 90% लोगों को नहीं जानता होता, या वो मुझे नहीं जानते होते. आपसे मिलने के बाद जो मेरे करियर को बूस्ट मिला है, तो मैं समझ सकता हूँ, जब आप इतने सारे लोगों से एसोसिएटेड हो, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में, उदयपुर की कहानियां तो मुझे पता ही है कि कितने लोगों के करियर में आपने मदद करी, आज वो किस मुकाम पर है सब जानते हैं, पूरी इवेंट इंडस्ट्री जानती है कि जो 10 साल पहले लर्न कर रहा था, बिगनर था, आज वो एक टॉप की पोजिशन पर बैठा हुआ है. तो उसमें कहीं ना कहीं आपका, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली आपसे सीखा, जो आपसे कम्युनिकेट में, कम्युनिकेशन में. मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जिनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो आपको डायरेक्ट कॉल कर सके, तो आई हैव टू टेल देम कि अरे, यू टेक दिस नंबर, कॉल हिम, वो रात को 2 बजे भी आपका फोन उठाएंगे, नाम भी नहीं पूछेंगे, वो आपकी मदद करेंगे. बट लोगों में हिम्मत नहीं होती कि वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है. उसके बाद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने इनडायरेक्टली इतने लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर आए, उनके करियर आपने सेट किए हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों में. अब मैं जानना चाहूंगा कि 13 साल पहले अगर हम ये इंटरव्यू ले रहे होते, तो एक ऐसी मुझे बात बताइए जो आपको लगता है कि 13 साल पहले मुझे कर देनी चाहिए थी, या फिर आज से लेकर 13 साल पहले तक के इस गैप के अंदर कुछ मैं ऐसा कर देता जो अभी मैं नहीं कर पाया, या फिर ये मेरी गलतियां रही हैं, या फिर ये मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था. अगर आपको मैं आज से 13 साल पीछे लेकर चला जाऊं, साहिल, आई थिंक जो मैंने 13 साल में अचीव कर रहा है, लोग 50 साल में भी नहीं कर सकते. यस, दिस आई एनालाइज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. नॉर्मली आई नेवर टॉक अबाउट माय सेल्फ, बट यस, आई हैव डन स्टफ व्हिच इज लाइक 50-60 साल लोगों को लग जाएंगे इस मुकाम पे पहुंचते हुए. द अमाउंट ऑफ पीपल आई नो, द अमाउंट ऑफ रिलेशंस आई हैव बिल्ट, द अमाउंट ऑफ डेस्टिनेशंस आई हैव कवर्ड, the amount of respect I have earned from people in Turkey. When I went to Turkey for the first time, wo aake mujhe bolne shuru ho gaye, oh, you've come. So main dekh raha kisse baat kar rahi hu, main kaha, how do you know me? You know, there was an article last year on you in Turkey. I went to Dubai, I went to jahan pe bhi jata tha main, like I used to enter and people used to, you know, they already knew me. So I think more than anything else, I enjoy this way more. At least when I'm going anywhere
यानी मैं किसी होटल में जाता हूँ ऑटोमेटिकली मेरा अपग्रेड हो जाता है स्वीट पे, शेफ आए पूछने के लिए सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, दे गेट वेरी एस्ट्रोनिश्ड, मैं उनको बोलता हूँ मुझे एक दाल और रोटी दे दो रात को, आई एम हैप्पी विद दैट ओनली. और मैं केटर से बोलता भैया आप कभी हमारे खाने की तारीफ नहीं करते, माय मॉम इज एन एक्सीलेंट कुक एंड सो इज माय फैमिली माय वाइफ एंड ऑल, सो मैं उनको बोलता हूँ मैं बचपन से अच्छा खाना खाता आया हूँ, मुझे ये भी खराब लगता है. So I think this fame what I've gathered is more of love and affection from everybody. Yeah. अब लोग रुके रहते हैं, मैं जब जा रहा होता हूँ कहीं, normally जब 8 बजे का time किसी function का होता है, मैं 8 बजे से पहले पहुँच जाता हूँ, because I know there are boys and girls waiting for me to meet me. And जैसे seniors आते हैं, वो बेचारे पीछे हट जाते हैं. Yeah. So I think now is my time. मुझे 5-6 साल पहले किसी ने बोला था, किसी ने आके मुझे कुछ बोला ऐसी ऐसी कोई चीज में, थोड़ा चुप हो गया, शर्मा सा गया था, सर यू अर्न इट प्लीज एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एंड बी हैप्पी. अभी मैं बीमार था इतने दिन, मुझे वीडियो कॉल लोगों ने करी, मुझे एक्सरसाइज कराई वीडियो कॉल पे, मैं बोलता था मुझे वीडियो भेज दो मैं कर लूंगा, नो आप फोन बंद कर दोगे आप करोगे नहीं. कोई श्रीडी गया वहां से, मुझे वहां से दर्शन करा रहे थे, कोई यहाँ हनुमान जी के मंदिर से दर्शन कराता था, जिसे मेरा टेस्ट का रिपोर्ट आनी थी उस दिन, थोड़े बच्चों ने फास्टिंग करी हुई थी कि नहीं जब तक सर की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आती हम खाना नहीं खाएंगे आज. सो यू नो मेरे आई गेट गूस पीपल्स व्हेन आई हियर अबाउट दीस थिंग्स. या एंड यू नो व्हेन वी हियर द स्टोरीज फ्रॉम बॉलीवुड की शाहरुख खान के लिए लोग व्रत रखते हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन के लिए लोग व्रत रखते हैं, उन्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वेडिंग इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री में भी ऐसे महान नायक हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो 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 उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जिनको लोग देखते हैं. अगर 10 में से 8 लोग एक्टर बनना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ 10 में से 2 लोग वेडिंग प्लानर भी बनना चाहते हैं और वो ऋतुराज खन्ना भी बनना चाहते हैं. तो ऐसी 3 एडवाइस मुझे दीजिए कि ये 3 एडवाइस मुझे बताइए, अगर कोई सुन रहा है और वो सेकंड ऋतुराज खन्ना तो मुझे नहीं लगता बन पाएगा, अगर फिर भी अगर उसकी ख्वाहिश है बनने की तो वो 3 एडवाइस कौन सी, वो 3 कोर एडवाइस. व्हाट हैपेंड वाज आई वाज एक पिक्चर की शूटिंग हो रही थी मेरी सेट पे, या एंड दे डिड नॉट वांट टू पे मी सो मच जितना मैं मांग रहा था. सो मुझे बार बार बोलता था कि ये एक्टर आ रखा है, ये एक्टर आ रखा है. मैं सुनता रहा पहले 15-20 मिनट, फिर मैं बोला मैं एक्सक्यूज मी सर, मैं आप बहुत बड़ा स्टार हूँ and I don't go to places जहाँ ये लोग होते हैं, you know, इतना हक्का पक्का रह गया, वो पूरा मुझे साइन करके पूरा अमाउंट देके चला गया. सर यू आर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड आई हैव सीन जिसने मुझे इतनी फ्रैंकली बोल दिया दैट यू वांट टू डोंट वांट टू मीट देम आल्सो. या सो इन आवर ओन राइट आई हैव आस्क्ड आवर किड्स, हमको ऐसी उनसे ज्यादा हमको फेम मिलती है. आई मीन व्हेन आई एंटर अ हॉल दैट 300 पीपल सिटिंग देयर सब खड़े हो जाते हैं. सो टिप्स क्या देंगे यार, आई थिंक द फर्स्ट टिप इज यू हैव टू लव योरसेल्फ इन ऑर्डर टू लव योर वर्क एंड देन दैट्स ओनली वे टू विन द वर्ल्ड. यू कैन नॉट कॉपी एनीबडी, ठीक है यू कैन कॉपी एनीबडी, यू कैन मेक मनी, बट जो अंदर की सेटिस्फैक्शन होती है ना इन लोगों को नहीं होती होगी. जो सेटिस्फैक्शन मुझे होती है व्हेन आई वर्क बिकॉज आई लव माय वर्क, आई लव माय वर्क बिकॉज आई लव माय सेल्फ. ये मैंने उदयपुर में सीखी थी बात, yeah. और वो भी सनसेट पॉइंट पे बैठ के मैंने उदयपुर से बहुत कुछ सीखा है. वहां मैंने एक नो करना सीखा जिंदगी में, जो मुझे जिंदगी आता ही नहीं था करना. सनसेट पॉइंट पे मैं कह रहा था राज खन्ना जो आता तेरा बेवकूफ काट जाता है आज से नो. सब तक वेडिंग प्लानर आ गया कि सर वो किचन बनना, मैं कर नो, क्योंकि सर वो ग्रीन रूम बन रहे, नो मैं कर नॉट माई बिजनेस, आई एम नॉट चार्जिंग यू फॉर फूड, आई एम नॉट चार्जिंग फॉर एनीथिंग. सो आई रियलाइज कि आई वाज ऑल अलोंग being very nice to people and spending my own money for them. Yeah. चाहे मुझे कोई बच रहा होता था नहीं होता था, तो मेरे expenses used to be big. Number 2, सबका काम देखो, you should be aware. I know everybody's work. I know if anybody else is doing the work. आजकल से लेके जो मेरी उम्र तक के लोग भी हैं, मुझे सबकी photographs पता है. I follow them completely. They send me their photographs. मुझे 6:30-7 बजे फोन भी लोगों के आते हैं बच्चों की, सर हम वीडियो कॉल कर रहे हैं आपको, देखो मेरी लाइटिंग ठीक हो रखी है, हमारे फ्लैश ठीक लगे हुए हैं. सो बट आप वो करो जो आपको अच्छा लग रहा है. I also copy people है, ये थोड़ी मेरे नहीं होता, कुछ क्लाउड बनाए थे मैंने कॉपी कर रहे हैं, बट वी डिड आवर ओन थिंग. इतनी बड़ी चीज में माइंड इतना ही जाता है. एवरी ईयर वी डू 5 or 6 वेरी बिग इवेंट्स,
और हम सोचते रहते हैं यार इसके बाद और क्या, then we become, we keep coming to something bigger. But मैं देखा है in today's field, there's these young girls I've seen beautiful work they're doing. I'm out of the blue. थोड़ा फर्नीचर कम लगाते हैं, डिजाइनर फर्नीचर होता है, तो मुझसे कोई पूछ रहा था भैया ये कैसा काम कर रहा है, मैं कहा थोड़ा फर्नीचर ऐड कर ले, बिकॉज अभी तो सब प्यार प्यार में दे रहे हैं, नेक्स्ट में आके बोलेंगे जी हम बैठे काम. जैसा आपने बताया कि डव कोर्ट पे बैठकर, वो सनसेट पॉइंट पे बैठकर आपने ना करना सीखा, तो आपके इन 13 साल के करियर में कुछ 2 से 3 ऐसे लोग आए होंगे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि इस पर्टिकुलर आदमी से मैंने ये लर्निंग ली है, फिर वो आपके जूनियर भी हो सकते हैं, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, क्लाइंट भी हो सकते हैं, ऐसे 2-3 लोगों के आप मुझे नाम बताइए, मैं जानना चाहता हूँ ऐसे 2-3 लोग कौन है जिनसे. नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको चीज बताऊंगा मैंने क्या नहीं सीखना चाहा लोगों से. क्या नहीं सीखना चाहा? ओके. एक मैंने सीखना चाहा, यू शुड नेवर बी रूड. इनफैक्ट आई थिंक यू वर द वन हु फर्स्ट केम एंड पॉइंटेड आउट टू समबडी दैट यू हैड गॉन समवेयर एंड यू वांटेड टू स्पीक टू समबडी एंड ही हैड इग्नोर्ड यू. या करेक्ट. Yeah, yeah, I remember. So that. I passed that message on to that same person, yeah. And I made this a topic on stage that day to my seniors. My seniors, मतलब मेरे साथ के जो थे, कि why do you have to keep this attitude? ऐसे आप लोग हो क्या? ऐसे wedding planner को मैं कहा मुझे अभी तक phone आता है, आप tent वाले बोल रहे हो? So मैं कहा because we are trying going to big award ceremonies, because we are traveling more, because we are wearing stylish clothes, does not give you a right to be rude to anybody in life. मेरे यहाँ मेरा काम करने वाला बच्चा है, मेरे यहाँ seniors हैं, मेरे यहाँ labour है, I treat them all the same. You have seen them. मेरा बड़ा clear है, जहाँ मैं रहता होता हूँ मेरा manager level वहीं रहता है, जो मैं खाता हूँ वो खाते हैं. This is very important. I am nothing without them. Very true. Third, I think your competitors should be your friends. Yeah. But never let them stab in your back. आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे इंडस्ट्री में, आपको बहुत कुछ दिया होगा, but मैं मुझे बहुत लेट पता चला सब समाज का कि जब भी मारते 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 वे तेरा कुछ कर गए थे. But ठीक है, they're still my friends. I don't mind sharing the same space as them. बट थोड़ा गलत होता है यार. आई मीन अगर मैं कहीं पिचिंग ले जा रखा हूँ बिकॉज दे नो माई वर्क, बिकॉज आई हैव गिवन माय स्टफ टू यू, डजंट माइंड एक्चुअली यू टू गो आउट टू द सेम प्लेस एंड टेल देम कि अच्छा तो सर इतना ले रहे हैं, हम इतने में कर जाएंगे, सेम चीज तो दिखा रहे हैं हम भी. मुझे दुख हुआ पर एक रात ही रखा मैंने वो दुख, फिर मैं छोड़ दिया. मैं कहा अगर मैं ऐसे रखने शुरू हुआ जैसे बहुत लंबी लाइन लग जाएगी. मैं अब ये तो हमने डिस्कस किया काम से जुड़ी बातें, आपके 13 साल में आपने जो सीखा हमको भी बहुत अच्छे इनपुट दिए. मैं कुछ शो के खत्म होते होते कुछ पर्सनल चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा. आपकी 3 फेवरेट मूवीज बताइए मुझे. मूवीज? यस. फिलहाल तो मैं पिछले 13 साल से पिक्चर हॉल नहीं गया. 24 साल से. पिछले 24 साल से आप पिक्चर हॉल नहीं गए? 14 ईयर्स. ओके. 14 हो गए. I haven't been to a movie hall. Okay. I see all my movies on my phone. I know it's a crime, but एक मैं देखता हूँ अपने टाइम की पिक्चर देखता हूँ ज़्यादा. मैं Sound of Music. Yeah. I watch it every week. Okay. And एक पिक्चर है The Greatest Showman. I don't know if you've seen it. अगर नहीं देखी आपने यू मस्ट गो एंड सी इट. इट्स अबाउट अ पर्सन हु रन्स अ सर्कस. ओके. वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी इट इज. यू हैव टू गो एंड सी इट एंड विजुलाइज की द सॉन्ग्स इन इट, द आर्टिस्ट इन इट आर सो सो मेस्मराइजिंग. मजा आता है देख के. ओके. बाकी हिंदी पिक्चर तो मैं बीच बीच में देख लेता हूँ बिकॉज कहानी अपना बन जाती है हिंदी मूवीज की. तो देयर इज नथिंग लाइक फेवरेट और नॉट फेवरेट. एक्टर्स हैं. So, movie is a very wrong topic with me actually. Okay. And what I is see everything what comes up here. But yes, my old movies of bachpan mein dekhi hai maine, abhi to meri wahi favorite. Okay. And what is the most common question being asked you on social media, on your Instagram, on your Facebook? What is the most common question? Hmm.
पता नहीं, आई थिंक लोग नॉर्मली सिर्फ हार्ट्स बना के छोड़ देते हैं, कोई पूछता नहीं कुछ. No, it means you do not meet people like me who has a lot of questions even after 13 years. कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है. नहीं, वो नहीं पूछता. अगर पूछ रहे होते मेरे WhatsApp वाले शुरू होते हैं तो मैं उनको लगाया तो लगाम के थामा, भाई अभी रुको, मेरे पास तक टाइम नहीं है WhatsApp पे भी. My WhatsApp flows like mad. I've got about 50 groups. Yeah. And आजकल तो सारे इतने active हो रखे हैं because of this COVID thing. कोई किसी को कुछ चाहिए, किसी को ईमा के ग्रुप है, इसमें ग्रुप है, किसी को हेल्प चाहिए. मैं 20 दिन अंदर बैठ के मैंने सिर्फ ये करें, आपस में घूम घूम के किसी को यहाँ मैसेज भेज, किसी को यहाँ मैसेज भेज. That's about it. But as such, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है. साइट पे आके जब पूछते हैं, सर कैन वी आस्क यू एनीथिंग, आई से नो, दिस इज द रॉन्ग टाइम टू टॉक टू मी. वो आते भी कब है, मेरे साइट का हैंडओवर होता है, दैट वन आवर इज लिटिल फुल ऑफ टेंशंस. पर आई थिंक मेरे वेबिनार जितने हो गए हैं, जितने क्वेश्चन आंसर मैं देने थे जिंदगी के दे चुका हूँ. आई डिड माई क्लास 2021 ऑल्सो, विच इज अ बिग हिट. पीपल स्टिल कीप टेलिंग मी, सर कब शुरू कर रहे हो. जो उसमें मेरे साथ था अनिश लड़का, आई हैव नेवर मेट हिम इन लाइफ. पीपल गेट वेरी स्टाउंड. और मुझे तब मिला था, he used to come with events company during जब मैंने 3-4-8 शादियां एक साथ करी थी 9 साल पहले इन उदयपुर. उनके संग आता था, वो किसी इवेंट में पढ़ रहा था, कहीं कुछ कर रहा था. इसे मैं आपको तब से देख रहा था एंड आई वाज वंडरिंग मैं कब मिलूंगा आपसे. सो एक दिन लॉकडाउन में ही हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम एंड ही पिंग मी एंड देन सडनली ये हुआ अश्विनिया एंड वी स्टार्टेड क्लास 2021. फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसी कोई बात रह गई होगी जो आप उन वेबिनार्स में शेयर नहीं करता, और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा कुछ रह गया है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, जो आप चाहते हैं कि ये भी बात सबको पता होनी चाहिए, वो कौन सी बात रहेगी? I think वो उन दिनों में कुछ नहीं छूटा था. Okay. Right from my family to my personal life to my, लोगों ने कहाँ कहाँ से खोद के मेरे वीडियो निकाले, मसूरी से फोटो मंगा के, कहाँ कहाँ से मेरे दोस्तों को फोन करके मसूरी में, इनसाइड आउटसाइड. I think गाने बनाए मेरे ऊपर. They had people coming over to talk, which people whom I had never met for so many years. And not from the industry also. Yeah. So I think what 6-8 mahine thought like everything came out. Okay. So yes, I would now, I think I'm ready to open a wedding institute soon. Main to bahut 6 saal se plan kar raha hu. Par kuch na kuch aisa busy ho jata aadmi, aur ye 2 saal mein ye covid aa gaya. Yeah. Where I would like to teach what I have learned over the years, which is really different from what the other colleges teach. I take a lot of master classes. I did for Whistling World and for this craft recently. But something is missing somewhere. I don't know where, what is missing. So I'd rather sit down one day and, you know, dedicate a few days. So one more question which was just popped out in my mind. Like, to whom to contact to queue events after 10 years? I know you have shared your retirement plans. I know a lot of things. That you have your banquet halls, you are going to start your wedding institute. But agar 10 saal baad mujhe apni daughter ki shaadi queue event se karani hai, to main kisko contact karunga? Which is the next phone number? To mera hi milana padega. Main hu ya na hu, number mera hi chale. So is it your sons going to take care of the company or the Gita's children? My children are in America and they don't intend coming back. Yeah. My younger son Krish is there only. He's working at Taj Palace. He doesn't intend joining us. Okay. दस साल तक खींच लूंगा मैं अभी. Okay. Great. So one last question. Seeing this COVID situation all across the globe now, और इंडिया में तो हालात बहुत डिफिकल्ट हैं ही. तो एक ऐसा मैसेज जो आप सभी को देना चाहते हैं कि I know situation is tough, people are dying and everyone is being affected, every second person is being affected because of this virus. कैसे वो अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं सिचुएशन में, मेंटली पॉजिटिव? सी, आई हैव बीन मेंटोरिंग अ लॉट ऑफ पीपल सिंस लास्ट ईयर ऑन दिस. रात को मैं अपना को मेंटोर करता हूं टू बी स्ट्रांग. बट आई थिंक सबसे पहली चीज हमको कोविड ने सिखाई है टू बी पेशेंट. डेफिनेटली. नहीं तो मेरे जैसा आदमी जो 10 महीने ट्रैवल करता था, वो 20 दिन एक कमरे में बंद नहीं रह सकता था. आई हैव नॉट इवन स्टेप्ड आउट ऑफ माय रूम.
So that was for another reason. But yes, aajkal lockdown ho gaya pura. But farak kya pada hai? Last year, everything was going haywire. ट्रेनों में क्या हाल हो रखा था आपने देखा, लोग पैदल वापस जा रहे थे, क्या हो रहा है बिजनेस का, क्या हाल हुआ क्या नहीं हुआ है. बट दिस ईयर आप देखो कि एवरीबॉडी इज हैंडलिंग देमसेल्फ्स वेरी वेल. ऐसे चीख भी कोई नहीं मार रहा, ऐसे कोई कुछ नहीं कर रहा. इट इज लाइक ओके बंद है, है एवरीबॉडी सिटिंग इन. लास्ट टाइम आई टू गेट 50 मैसेज टिल नाउ, पेरेंट्स कॉलिंग मी, दिस कॉलिंग मी, वेबिनार्स हो रहे, ये हो गया वो हो गया, यू नो लाइक आज तक आवाज की ये होने वाला ये होने वाला. दिस टाइम कोविड ने सबको इतना बिजी कर दिया है एवरीबॉडी की मुंडियां सारी घुसी हुई है ऑक्सीजन में, बेड्स में, आईसीयूज में, एम्बुलेंस में, बिकॉज दे कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. तो सेम सेम थिंग अगर अगर 15 दिन लॉकडाउन हो जाए टोटली ओके अच्छी तरह, आई थिंक पीपल विल बाउंस बैक फास्टर बिकॉज नाउ दे नो हाउ टू मैनेज देमसेल्व्स. एग्जैक्टली. एंड आई बिलीव पिकनिक थी ना कि थाल बजा दिए हम नीचे से ग्रोसरी ले भाग के वहां से सब्जी ले आए. इट वॉज अ पिकनिक काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो ट्रेजर हंट जैसे चल रहा होता था. बट नाउ पीपल नो व्हाट हिट देम बैडली. हमारी इंडस्ट्री थी ग्लैमरस थी, पैसे जैसे ही आया ऑडी खरीद ली, राइट ले ली, यहाँ घुमाए वहां घुमाए, घर ले लिया. सडनली व्हाट हैपेंड, ईएमआई पैसे देने के लायक नहीं थे हम लोग. वेरी ट्रू. सो नाउ दैट इज अ लर्निंग लेसन. एंड नाउ वो कहते हैं ना सत्ययुग कलयुग, अभी कौन सा युग आएगा आई डोंट नो, बट यहीं से सीख के आएगा. पैसा किसी के काम नहीं आ रहा, ऐसा काम नहीं आ रहा. आप ही देखो जितने लोग बीमार हो रहे हैं, दे ऑल अपर मिडिल क्लास पीपल हु आर गेटिंग इट. या बेड्स नहीं मिलते, आप पैसा किसी को दे नहीं सकते बेड्स के लिए, आप क्या करोगे. सो दीस थिंग्स यू हैव टू यू नो लर्न दैट यू आर अ बेसिक पर्सन इन लाइफ एंड यू स्टे दैट वे ओनली. यार एंड आई आल्सो फील दैट अभी कोविड है, लॉकडाउन है, तो मुझे लगता है कि इस समय का अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए. लाइक मैं अपना बताऊं तो पिछले लॉकडाउन में मैंने YouTube देखा और इस लॉकडाउन में मैंने YouTube स्टार्ट किया. तो दिस एक्टिविटी हैज केप्ट मी एंगेज. मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा या मैं घर पे बैठा हूँ, सो दिन अच्छे से निकल जाता है. तो इसी तरीके से कुछ नई स्किल डेवलप हुई. तो अब क्या होगा, कैसे होगा, कब ये पेंडेमिक का लफड़ा ख़त्म होगा हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव होता रहे. और मैं चाहूँगा जो भी सुन रहे हैं, अगर आप कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं ऋतुराज जी से, तो मैं ये अपने बिहाव पे कह रहा हूँ कि आप इनको फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई देंगे. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट अ क्वेश्चन आंसर थिंग फॉर एवरीबॉडी ओनली. यू शुड टेल पीपल टू सेंड यू क्वेश्चंस ऑन यूट्यूब पे, कुछ होता होगा आई एम श्योर. यस यस, वेयर यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल. या यू शुड गो अहेड एंड टेक दिस क्वेश्चन एंड सेंड इट टू अस, वी विल आंसर बैक. वेरी ट्रू. आई विल डू दैट डेफिनेटली. राइट सर, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग ऑन माय शो. एंड मैं आशा करूंगा कि आप आने वाले 25, 50, 100 साल हमें सर्विसेज देते रहें, सिखाते रहें और लोगों के सपने पूरे करते रहें. थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड यू आर बैक एंड यू लुकिंग वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. गुड न्यूज़. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.